हेलो मेरा नाम पार्थ गोयल, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपकी नीट 2024 के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आपको कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो क्लास ऑनलाइन में बच्चे करते हैं, क्या प्रॉपर एल्गोरिथम होनी चाहिए आपकी पढ़ाई करने की। एक एक चीज इस वीडियो की इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं पिछले चार बैचेस को गाइड कर चुका हूं, बीट नीट 2020, नीट 2021, 2022, 2023 और उस गाइडेंस से कई सारे बच्चों की लाइफ में चेंज आया है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वो लेकर के आए हैं। बीट ईयर 188, ईयर 451, ईयर 525, ये वो बच्चे हैं जो मेरी स्ट्रेटजीज, मेरी जो भी तरीके हैं पढ़ने के, बीट मेरी किताब बायो कैमेक, इन सब का इस्तेमाल कर अपनी अच्छी रैंक पिछले साल लेकर के आए हैं। इसलिए तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हें एकदम राइट गाइडेंस दूंगा नीट 2024 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले तो भैया कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसमें एक डिटेल वीडियो आने वाला है बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद तुम अच्छे से थ्योरी को समझ के उसके एग्जाम्पल्स लगाने के लिए एक अच्छी सी किताब खरीदना, जैसे कि तुम एलसीआर में ले सकते हो या फिर तुम सिंगेज की किताब आती है वो ले सकते हो। बेस्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर कि कोचिंग मॉड्यूल फिजिक्स के स्पेशली गेम में बेस्ट निकल के आती है, उनमें अच्छे से दिया होता है कि भाई ये थ्योरी दी है, उसके बाद उसका एग्जांपल दिया होता है, तो तुम्हारी थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जांपल प्रैक्टिस हो जाता है। बाद में उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं अराउंड 100 से 200 जो कि क्वेश्चंस हमारे को अराउंड करने होते हैं फिजिक्स में। आई विल से कि तुम्हारे को अराउंड 200 के आसपास क्वेश्चन तो करने चाहिए पर चैप्टर, वो तुम वेरी करके 250 तक ले जा सकते हो और अगर कम करना चाहो तो 150 तक ले जा सकते हो, बट वो 150 से 250 के बीच में तुम्हारा फिगर होना चाहिए। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की तुम्हें याद होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। फिजिकल से भी एनसीईआरटी में से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बना लिए जाते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद एक अच्छी कोचिंग मॉड्यूल को तुम पढ़ सकते हो सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए। इसके बाद अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो तुम ऑर्गेनिक में ओपी टंडन यूज कर सकते हो और फिजिकल में आरसी मुखर्जी करके एक किताब आती है, थोड़ा सा हार्ड साइड ही चले जाता है। अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो इस पे जाना, एक अगर तुम नॉर्मल से स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल पे स्टिक करना। इसके बाद तुम्हारे को क्या होगा ना, रिवीजन करना होगा, तो उसमें तुम्हें कैमहेक बहुत हेल्प करेगी कि तुम एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसको केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि जरूरी भी होता है इनऑर्गेनिक जैसे स्पेशली पोर्शंस में, वहाँ पर कैमहेक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऑर्गेनिक में भी एक एक एनसीईआरटी और फिजिकल में भी एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर्ड है, तो ये मैंने खुद ने बनाई किताब, तो ये तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में अगेन तुम्हें एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा फोकस से पढ़ना है कि एक पॉइंट एक डायग्राम का अंदर का इन्फॉर्मेशन तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर का देखना है। और इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, वही 200 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तुम्हारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूं तो कोई कोचिंग मॉड्यूल या फिर तुम फिंगर टिप्स भी यूज कर सकते हो। रियलिटी ये कि बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉट दैट यूजफुल, ये देखो कि तुम्हें 150-200 के आसपास क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन सब पढ़ना ये नीट का है। इसके बाद तुम्हें रिवीजन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बायोलॉजी में, तुम्हें किताब की जरूरत पड़ेगी, वो अगेन है बायो, मैंने खुद ने लिखी है एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी हमने इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो कि नीट 2022 के पेपर में इस बार तुमने देखा होगा कि आए हैं कि भाई स्टेटमेंट वाइज, एक्चुअली में एमसीक्यू नहीं थे, जो क्वेश्चंस आए थे वो स्टेटमेंट्स थे, उनको सही या गलत बताना था, वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थे, तो ये सब चीजें कवर्ड है बायोएक के अंदर, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो 11th क्लास में बच्चे करते हैं और आप भी करोगे, सबसे पहली मिस्टेक है बैकलॉग्स। अराउंड 80% बच्चों के क्लास 11 में बैकलॉग बन जाते हैं, ओनली एंड ओनली रीजन बीइंग कि जब 11th का एंड आ रहा होता है, जब दिसंबर जनवरी का टाइम चल रहा होता है, सिलेबस कोचिंग्स में बहुत तेजी से भगाया जाता है। जो फिजिक्स की तुम दूसरी किताब देख रहे हो, पहली किताब में तुम्हें लग जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, लेकिन जब तुम दूसरी किताब पे देखोगे तुम्हें 2-3 महीने में खत्म कर देगा वो, तो ये चीज होती है। इस वजह से तुम्हें हमेशा टीचर के बराबर तो चलना ही पड़ेगा, टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया है तुम्हें वो टॉपिक अगले दिन जाकर के पढ़ना है और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। अगर तुम एक दो चैप्टर भी पीछे हो और जब वो सिलेबस भगाया जाएगा ना, तो तुम कोपा भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बैकलॉग बनना निश्चित है। ये हर बच्चे के साथ होता है और हर बच्चा ट्वेल्थ में आके परेशान होता है। सेकंड मिस्टेक, नॉट टेकिंग बेसिक्स सीरियसली। 11th क्लास वो क्लास है जहां पर तुम्हारे बेसिक्स बन रहे होते हैं जो कि 12th क्लास में अप्लाई होने वाले होते हैं। अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तुम्हारे को ये नहीं पता होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एटम्स मॉलिक्यूल क्या होता है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तुम्हें बहुत सफर करोगे ऑर्गेनिक में जब तुम क्लास 12th में आओगे और सारे पोर्शन में। 11th क्लास में बहुत ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना और समझ करके पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को। थर्ड पॉइंट, क्लास 11th इज हार्डर देन क्लास 12th। क्लास 11th एक ऐसा क्लास होती है जो कि हमारे को अंदर से निचोड़ देती है। अगर तुम वो चीज से गुजर जाओगे ना अच्छे से मेहनत करके, क्लास 12th तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ केक बन जाएगा। तुम बहुत आराम से 12th को कंप्लीट करोगे, बहुत जल्दी कंप्लीट करोगे और जब तुम
हमारा जल्दी 12th कंप्लीट होगा तो तुम्हारे को रिवीजन का बहुत टाइम मिलेगा क्लास 11 12th का, और नीट में तुम अच्छा फोड़ के आओगे। इसलिए तुम्हारी जो लड़ाई है ना दोस्त, वो ये एक साल है ये मान लो बस। 12th तो बहुत इजी जाने वाली है अगर तुम ये एक साल जम के लगड़ लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यू ज्वाइन कोचिंग और नॉट? बिल्कुल जरूरी है, बिना कोचिंग के तुम नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। नाउ कोचिंग भैया ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन करें? देखो ऑनलाइन इज वेरी मच बेनिफिशियल और बहुत सस्ता भी पड़ता है इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन कोचिंग तुम्हें तब ज्वाइन करनी चाहिए जब तुम्हारे एरिया में कोई कोचिंग नहीं है, तुम्हारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि तुम जाकर के किसी दूसरे शहर में जाकर के रह पाओ। तुम अगर खुद के डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो जो ऑनलाइन में होते हैं, देन ऑनलाइन इज बेस्ट। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस जो ऑनलाइन में होते हैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम्हें ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। ना ऑनलाइन की बात कुछ ऐसी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं जब छोटा था 9th-10th में था तो मैं ऑनलाइन लेक्चर देखता था इंटरनेट पर और मुझे बहुत मजा आता था और मैं उन्हें दिन भर देखता रहता था। उस वजह से मैंने बहुत जल्दी अपना 10th का सिलेबस भी खत्म कर लिया था और मैं 11th पढ़ने लगा था 10th। ये चीज होती है कि अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और तुम दिन भर पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पढ़ाया जाए, तो ऑनलाइन तुम्हारे को बहुत मजे दिला देगा। बिकॉज ऑनलाइन में तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, देखते जाओ। ऑफलाइन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है कि तुम्हारे को टीचर आएगा, 3 घंटे पढ़ाएगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएगा, तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक ही आता है। एंड ऑनलाइन रियली थिंक की जब हम ऑफलाइन में पढ़ते थे, मेरे टाइम पे ऑनलाइन में इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, लोग नहीं थे, लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जाकर के देखते थे कि भाई ट्रिक्स टू लर्न दिस पीरियडिक टेबल और ये वो। तो ये सब चीजें क्योंकि ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, अच्छे क्वालिटी कंटेंट भी तुम्हें मिल जाएगा जो कि ऑफलाइन में शायद तुम्हें ना मिले। इस वजह से आई विल से कि ऑनलाइन इज समथिंग, अगर तुम्हें कोई अच्छा दे रहा तो इट इज रिवॉल्यूशनरी और वो सस्ता भी होता है, मतलब उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन ऑफलाइन इज समथिंग, मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ाऊँ और जो हमारे पीयर्स वहाँ पे बनते हैं, जो कम्युनिटी दोस्त होते हैं, अगर वो तुम्हें अच्छे मिल जाते तो वो तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर तुम एक ऐसे बच्चे जो सबको अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन एक तुम साइड में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके बाद भैया डमी ले या प्रॉपर स्कूल में जाए? तो आई विल से अगर तुम डमी ले सकते हो बिल्कुल लो। प्रॉपर स्कूल वाले बहुत परेशान होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, डमी इज द बेस्ट। सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? आई विल से सिलेबस तुम्हारा 5th तक खत्म हो जाना चाहिए। मार्च में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे अराउंड अराउंड। ना भैया मैं पढ़ने के एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? तो फ्रेज की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखने हैं, फिर उसके नोट्स बनाने हैं और फिर उस पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद तुम्हारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो तुम्हें लेक्चर देखना है। लेक्चर में देखने के बाद तुम नोट्स बना सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स के, लाइक फिजिकल और ऑर्गेनिक, इन पोर्शन के तुम्हारे को नोट्स बहुत जरूरी हो जाएंगे। इसके बाद कम टू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो जब तुम एनसीईआरटी अच्छे पढ़ लेते हो तो मैं बिल्कुल यकीन हो जाता तुम्हें एनसीईआरटी आ गई है। देन सॉल्व कैम हैक। कैम हैक में तुम्हारे को एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि जब तुम एनसीईआरटी से कैम हैक पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितनी एनसीईआरटी एक्चुअली में आती है, और फिर तुम वहां पे उसे सर्कल करके जो तुम्हें नहीं आता है उसे नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेना। इस तरीके से तुम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे और तुम्हारी एनसीईआरटी विल बी इनकम्पेरेबल। तुम्हारी इतनी अच्छी एनसीईआरटी हो जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद तुम्हें एमसीक्यूज सॉल्व करने अराउंड 150 से 200 किसी भी किताब से तुम कर सकते हो। अगर तुमने कैम हैक की हार्ड कॉपी ले रखी तो तुम्हारे को उसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्यू बैंक भी मिल जाता है, तुम क्यू बैंक भी यूज कर सकते हो जिसमें अभी 50 क्वेश्चन है। बट धीरे धीरे हम इसमें अभी नया एडिशन लाने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, तो वो क्वेश्चन हम बढ़ करके 150 के आसपास जाने वाले हैं। उतने क्वेश्चन आर सफिशियंट और इतने ही तुम्हें करने चाहिए। कमिंग टू बायोलॉजी, सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखना है, नोट्स यहाँ पे बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाना है, एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग करनी है, लाइन बाय लाइन बिल्कुल वोट करके उसे पी जाना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें बायोहैक सॉल्व करना है, एनसीईआरटी तुम्हें पता चल जाएगी याद है कि नहीं, गोला मारो जो क्वेश्चन तुम्हारे को एनसीईआरटी के नहीं पता, आगे बढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन तुम क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, हार्ड कॉपी लिए तो वहाँ पे तुम्हारे को अभी 100 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आगे जाके अभी 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे को और कुछ नहीं करना है बायोलॉजी में, ना सिलेबस फेब्रुअरी तक कंप्लीट करो, बढ़िया से 11th में बचाओ। अगर तुम 11th में बचा दोगे ना दोस्त, 12th तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगी और फिर तुम नीट में फोड़ने के लिए बिल्कुल गारंटीड कैंडिडेट हो जाओगे। तो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से पूरी विशेष है, लगे रहो मचा दो पूरी तरीके से। Bye. I know that things have changed.